পয়সার থেকে गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट। देख लीजिए जैसा कि यहाँ पे चेकिंग हो रही है, फोटोग्राफ्स। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट। ये इंडिया गेट, यहाँ फोटोग्राफी, बड़े बड़े फोटो सब लोग खड़े हुए हैं। धूप के कारण मेरा सर हो गया है खराब, पर घूमने का कर नहीं रहा है दिल, पर भी फिर भी कर रहे हैं हम कोशिश। और ये मेरे पीछे वोटिंग करके यहाँ से ले जाया जाता है, तो भी जाना हो लाइन में आ जाए टिकट लेने, समंदर घुमाया जाएगा वहाँ पे। देख रहे हो लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, लाइन का तो पूछो ही मत, लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई है, पब्लिक की लाइन बहुत ज़्यादा लगी हुई है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा क्राउड भी है। आफ्टर ऑल 24 आवर यहाँ पे लगता है क्राउड ही रहता है। तो गाइस हम हैं अकेले और बनाने में वीडियो मज़ा नहीं आया, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। खाली थे, संडे छुट्टी था, तो कहे चल के घूम आते हैं और थोड़ा वीडियो वगैरह बना लेते हैं। तो दिल किया तो चले आए हम चर्च गेट। तो फाइनली यहाँ पे हम घूम रहे हैं, देखो पीछे इंडिया गेट है हमारे, आपको दिख ही रहा होगा। और ये पीछे ताज होटल है, जहाँ हम आपको बता देते हैं ताज होटल, ये ताज होटल है। तो गाइस आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। वोटिंग कराई जाती है, ले जाया जाता है लोगों को घुमाने के लिए समंदर के बीच में। यहाँ यहीं से ही ये अंकल यहाँ पे टिकट देते हैं, बंद कर दिया, लोग जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। टिकट काउंटर, यहाँ पे मिलता है टिकट। भाई टिकट कितने का मिलता है सर, कितने का दिए टिकट? 260। एक लोगों का है? एक का हाँ, ये एलिफेंट अच्छा एलिफेंट के लिए, ये इतनी लंबी वाली लाइन है। तो यहाँ पे अलग अलग घुमाया जाता है, एलिफेंटा का अलग है और अलग लाइन पे खड़े समंदर में घूमने के लिए अलग है। तो सारी लाइनें बनी हुई हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। चलते हैं इंडिया गेट के अंदर, देखते हैं इसके अंदर क्या है। बने रहिए हमारे साथ, वैसे ही हम आपको घुमाते रहेंगे। फ्रेंड्स आ गए हम यहाँ पास में। गाइस जैसा कि हमने सुना था यहाँ कुछ खास नहीं है, सही मेरे को दिख रहा है, ये देख रहा है इंडिया गेट। पीछे का नजारा है, यहाँ से पूरा ताज होटल भी दिख रहा है, सुनहरी घर भी दिख रहा है, ये देख लो आप। अंदर घुसने का कहीं नज़ारा नहीं दिख रहा है, हम अंदर घुसने को तो गाइस जैसा कि हमने आपको बताया, ये आपको नज़ारा है बने हुए। चलो बड़ी जांच बड़ी सी, आइए पास में करीबी नदी में, लेकिन दूरबीन से चल ना सब पंकज ना सब दूरबीन से सब देखने के लिए यहाँ पर रुकते हैं, दूरबीन से दिखाने के लिए। ये गेट है यहाँ पर वोटिंग होती है,
सारी नाव खड़ी हुई है देखो। अकेले होने के साथ यार मेरा मन नहीं कर रहा है, इसके अंदर का दिखा देता है, इसके अंदर का नजारा है। अकेले गए हर जगह, जहाँ देखो यहाँ पे लाइन ही लगी है वोटिंग करने के लिए। चल आ गए हम यहाँ फाइनली। ये पीछे पूरा ताजमहल का व्यू देख लीजिए, ताजमहल का पूरा सब पूरा व्यू देख लीजिए आप मेरे पीछे। मैं अकेला हूँ, ये भाई ने मेरी फोटो खींच ली है, मेरे को ये दो भाई लोग हैं मेरे साथ। हाँ बोल दीजिए सर। चलते हैं आगे, देखते हैं पास से क्या है नज़ारा। तो आ जाइए गाइस। आगे तक चलते हैं, देखते हैं क्या कहाँ घूम सकते हैं। पब्लिक का संडे है, संडे होने के कारण पब्लिक बहुत ज़्यादा आई हुई है। पब्लिक का जमावड़ा इतना ज़्यादा है कि हम आपको क्या बताएं, हम आपको व्यू दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं पास में, ये देख लीजिए मेरे पीछे, ये पीछे मेरे पास होटल है, ये मेरे पीछे चार होटल है जहाँ सारे लगे हुए हैं। और ये पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम आपको बोल रहे थे कि ये हमारे पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया। थोड़ा हम बहुत दूर से लेते हैं ताकि पूरा कवर होके आपको दिखा सकें। ये है गेटवे ऑफ इंडिया, आप देख लीजिए पूरा का पूरा हम कवर करके अभी दिखाते हैं आप। ये देखिए ये है गेटवे ऑफ इंडिया। जैसे यही है अकेले होने का नतीजा, खुद ही कैमरा चलाओ, खुद ही बोलो और खुद ही वो करो, और कुछ भी मतलब फील ही नहीं होगा। घूम रहे हो क्या कर रहे हो, सिर्फ इधर उधर देखते रहो और घूम भी लिए, बहुत अजीब सा लगता है, पर चलो जो भी है सही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आए हैं तो घूम ही लेंगे, तो घूम रहे हैं और क्या, ये पूरा मज़ा ले रहे हैं। तो गाइस आने का तो हम वीडियो बनाए नहीं है, पर बना के आपको जाने का दिखा देंगे। यहाँ कबूतरों को दाना डाला जाता है, हम आपको भी करते हैं। कबूतर है यहाँ पे, इनको दाना डालते हैं। डालते हैं दाना डालते हैं, आप वीडियो वगैरह बनाते हैं। जाना है तो इधर से रास्ता है, नहीं इधर से बंद है, चलते हैं उधर से घूम करके, इधर से नहीं है तो उधर से घूम के चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको। अभी देखिए पूरा गेटवे ऑफ यही देखने के लिए लोग पागल जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया देखना है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया, इसके अंदर तो हम आपको दिखाई दिए हैं, देख लो यहाँ इसके लिए इतनी सारी भीड़ लगी रहती है। या ये ताज होटल, यहाँ पे लोग आने के लिए पागल हुए जाते हैं, ये ताज होटल है। लाइकली हम सब मोस्टली अपने फ़ोटो भी दो तीन क्लिक करवा ली है, दोस्त लोग मिल गए ऐसे ही, उन्होंने क्लिक किया और बहुत अच्छा लगा क्लिक करवा कर। तो अभी साला बाल उड़ रहा था यार भाई, लगा लिया बाल में वो, और निकल रहे हैं हम बाहर। अभी हम निकल रहे हैं बाहर, ताज होटल होटल सब घूमने के बाद फाइनली इसके अंदर से निकल रहे हैं बाहर। ये आ गए हम बाहर,
आ गए बाहर वहाँ यहाँ तक। ये तो हम दिखा दें तो समंदर का, एक बार हम आपको दोबारा दिखा देते हैं ठहराव के साथ में अच्छे से। साइड में कहीं खड़े होते पर लाइन ही बहुत ज़्यादा लगी हुई है, जहाँ की हमने आपको दिखाया कि लाइन इतनी ज़्यादा लगी हुई है, क्राउड को पूछो ही मत कितना ज़्यादा है। इसका बिल्ला वाला शॉट है, क्या बोलते हैं बिल्ला वाला शॉट। फोटो लेंगे फोटो भैया सक्रीन भी एलिफेंटा घूमने का प्लान मेरा कैंसिल ही हो गया और हो ही नहीं पाया सक्सेस, तो क्या करें यार, अकेले थे इसलिए घूम नहीं पाए। तो यहीं से घूम के अभी चलते हैं वापस, फिर किसी दिन आएंगे तो आपको पूरा वीडियो बना के दिखाएंगे और पूरा घूमेंगे और अच्छे से घूमेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया अच्छे से घूमेंगे और अच्छे से आपको दिखाएंगे पूरा वीडियो। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और हम रेडी भी करके नहीं आए थे कि घूमना ही है, खाली बैठे थे तो सर में आया, बोलते हैं ना दिमाग में आया तो चल दिए, तो आ गए घूमने के लिए, घूम भी लिए और घूमते घूमते अभी निकल रहे हैं बाहर। चलो बाहर चलते हैं अभी, पर आपने तो देख ही लिया पब्लिक का क्राउड कितना रहता है, ना आपको ट्रेन की गर्दी तो दिखाई नहीं कितनी ज़्यादा रहती है, और वो तो कैसे कैसे करके तो हम आए हैं यहाँ। बाहर निकल रहे हैं फाइनली, जैसे कि हमने तो आने का रास्ता है जहाँ से हम आए थे और ये जाने का रास्ता है जहाँ से हम बाहर जा रहे हैं, ये आने वाला रास्ता है जहाँ से हम गए थे अंदर और ये बाहर जाने वाला रास्ता है, तो हम बाहर निकल रहे हैं फाइनली। तो देखते हैं इधर से बाहर कहाँ से निकला जाएगा, तो इधर से जाते हैं, देखो चढ़ गिर के हम जहाँ से आए थे वहाँ कोशिश करेंगे। ये देखो यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, आओ आगे देखते हैं यहाँ जाओ। पब्लिक का क्राउड इतना ज़्यादा है कि लोग अपना डिनर टिफिन सब पैक करा के लाए हैं और यहाँ पे हर एक चीज महंगा दे रहे हैं ये लोग। लाइटली भी चलते हैं आगे जहाँ पे हमने आपको बोला वहाँ चलते हैं घूमने के लिए, आओ हमारे साथ जुड़े रहो। इतना ज़्यादा क्राउड है, क्राउड होने के कारण कहीं पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ पे पब्लिक भरी पड़ी है। फाइनली हम आ गए, अभी हम उस पार से अभी हम आ गए इधर, इधर से आ गए हैं इस पार, बोले तो इस साइड आ गए हैं ताज होटल के साइड। ये देखिए मेरे पीछे पूरा है, बस यहाँ आ गए, ये नज़ारा आप देख लीजिए। लिया
की गली, ये अंग्रेजों की गली में गाइस यहाँ सारी होटल ही हैं और यहाँ सब बड़े लोग रहते हैं होटलों में। यहाँ पे सारे के सारे होटल ही हैं, जितने भी आपको दिखे पीछे मेरे, यहाँ सारे बड़े लोगों का होटल है। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, थक गए हैं, घूमते घूमते फाइनली गए हैं थक। गलियों से ये सामने, अभी हम वहीं पे थे गाइस, वहाँ से निकलने का एग्जिट पॉइंट नहीं था, अभी यहाँ से है निकलने का। तो हम सोच रहे हैं पैदल चलें, क्योंकि कुछ देर पैदल चलेंगे तो हमारा वीडियो बन जाएगा थोड़ा बहुत। तो चलते हैं कुछ दूर पैदल। स्टेशन के साइड ही है, आप देख के चलिए यहाँ पे। पीछे का नजारा देख लीजिए, पीछे बनी हुई बिल्डिंग। ये बना हुआ छोटा सा एयरपोर्ट है, यहाँ पे दिख रहा है वो पूरा। स्टार्टिंग का एयरपोर्ट है, ये आप देखिए पार्क है, देखते हैं वहाँ पे क्या है। वहाँ पे देखने के बाद पैदल ही चलना है, कौन सा शुरू करेंगे।
आर्ट करते हुए, स्केचेस करते हुए. दिस ऑल सीरीज टूरिस्ट आए हुए हैं घूमने के लिए. ये देखिए यहाँ पे सबको एक्सप्लेन किया जा रहा है और ट्रेंड भी किया जा रहा है. कॉलेज का कैंप निकला हुआ है. बैटरी होने वाली है डेड और अब लगता है वीडियो बन नहीं पाएगा. इसके लिए जहाँ तक बनाया है वहाँ तक डालेंगे. अगली बार आएंगे तो फिर पूरा वीडियो बना के डालेंगे. हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही हम आपको घुमाते रहेंगे. तो गाइस पहुंचने वाले हैं हम स्टेशन. जैसा कि हमने आपको बोला कि हम पैदल ही निकलने वाले हैं वहां से, तो पैदल ही आ रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ का पूरा वीडियो बनाना था और ये वीडियो हम पूरा बनाते हुए थे. यो गाइस, अकेले हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई आया ही नहीं साथ में साथ देने के लिए मेरा. मैं बहुत लोगों को बोला आ जाओ यार घुमाते हैं, पर सभी ने धोखा दिया. घूम ही लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है. यहाँ पे भी हमें लगता है कुछ अच्छा ही चीज़ होगा, जो भी होगा देख लेते हैं. घूम करके आ जाइए, स्टेशन तो चल ही रहे हैं तो लगे हाथ सब घूमते ही चलते हैं. यहाँ आना चाहते थे स्टेशन से पर अंदर बंद था उधर से, फिर इधर से आए हैं. फाइनली अच्छा लग रहा है घूम करके. ये भी बना हुआ है जो भी बना हो, पर बहुत अच्छा लग रहा है. पुरानी इमारतें अच्छी लगती हैं, कहने को होती हैं, पर पुरानी इमारतें ही होती हैं. उनका लुक और बनावटी क्या सम होता है. कहते हैं ना घूमो, घूम के चले आओ तो क्या होता है, वीडियो बना लो तो रह जाती है पीछे यादें. यादों के लिए हम भी बना रहे हैं ब्लॉग और दिखा भी. हम स्टेशन के पास आ चुके हैं, हमें जाना है उस पार.
वहाँ पे स्टेशन भागते भागते आए यार। स्टेशन के सामने ही बना हुआ है ये व्यू, आप देख सकते हैं स्टेशन के सामने ही पूरा व्यू बना हुआ है, अच्छा लगता है। टिकट तो है ऑलरेडी में, कुछ चीज़ का टेंशन नहीं है, आ गए स्टेशन, बैठेंगे ट्रेन आराम से निकलेंगे, फर्क नहीं पड़ता कि स्टेशन के अंदर से आपको दिखा देते हैं पूरा पब्लिक का जमाना है, अंदर घुस गए स्टेशन लगा हुआ है जमा वाला स्टेशन, स्टेशन के पास है ट्रेन, ट्रेन में चढ़ेंगे। अभी फिलहाल कोई भी ट्रेन आई नहीं है, आने वाली है विराट 12 डब्बों की 5 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी भी हुई है और हम जा रहे हैं दोस्त उसको पकड़ने के लिए। भाई भागे भागे जा रहे हैं, निकल गए तो चलो बैठते हैं विराट फास्ट में। ये ओ माय गॉड, छूट ले ना पाए ट्रेन अपनी, तो भैया जी भाग रहे हैं और आ गए कोच। Oh, 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 oh